वर्ड पावर लेसन 6 ब्रांचेज ऑफ स्पेशलाइज्ड लर्निंग के सेगमेंट में आपका स्वागत है। मैं मुन्ना सर छपरा से आज के इस कंटेंट में हम ज्ञान के विविध शाखाओं, विशेषज्ञों तथा विषयों की चर्चा करेंगे। यह सेगमेंट उन विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो एसएससी तथा डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, यह उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है जो अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं। तो आज के इस कंटेंट का पहला शब्द आपके बीच जियोलॉजी, इसे हिंदी में भूविज्ञान कहते हैं, इसे भूगर्भ शास्त्र भी बोला जाता है। इसका संबंध रॉक्स मतलब चट्टान से है। यह चट्टान की संरचना, उसके प्रकार, उसकी उत्पत्ति, उसके निर्माण पर प्रकाश डालता है। भूविज्ञान के विशेषज्ञ को भूवैज्ञानिक या भूगर्भ शास्त्री कहते हैं, इसे इंग्लिश में जियोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो मतलब चट्टान के निर्माण, उसके आकार प्रकार के विषय में जहां चर्चा होती है उसे जियोलॉजी, और जो इसका विशेषज्ञ होता है उसे जियोलॉजिस्ट कहते हैं। ग्राफोलॉजी, इसका संबंध हैंडराइटिंग से है, हस्तलिपि से है। इसके विशेषज्ञ को ग्राफोलॉजिस्ट कहा जाता है, जो हस्तलिपि में माहिर हो, हस्तलिपि का विशेषज्ञ हो, उसे ग्राफोलॉजिस्ट कहते हैं, उसे हस्तलिपि वैज्ञानिक भी कह सकते हैं। फिलोलॉजी, इसका सीधा संबंध लैंग्वेजेस से है, इसे भाषा विज्ञान भी कहा जाता है। भाषा वैज्ञानिक को फिलोलॉजिस्ट कहा जाता है, मतलब जो भाषा का विज्ञान है वह फिलोलॉजी, और जो भाषा का वैज्ञानिक है उसे फिलोलॉजिस्ट कहते हैं। पोमोलॉजी, इसका संबंध फ्रूट से है, फल से है। फल विज्ञान को पोमोलॉजी तथा फल शास्त्री या फल विशेषज्ञ को पोमोलॉजिस्ट कहा जाता है। कार्टोग्राफी, इसका संबंध मैप ड्राइंग से है, नक्शा के निर्माण से है। तो जहां नक्शा के निर्माण की बात होती है उसे कार्टोग्राफी, और उसके विशेषज्ञ को कार्टोग्राफर कहा जाता है। अगला शब्द इकोलॉजी, इसका संबंध इन्वायरमेंट से है, वातावरण या पारिस्थितिकी से है। जो पारिस्थितिकी या वातावरण का विशेषज्ञ होता है उसे इकोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो उम्मीद है ब्रांचेज ऑफ स्पेशलाइज्ड लर्निंग के तहत जिन चंद शब्दों की चर्चा आपके बीच में हुई वे शब्द आप समझ चुके होंगे। एक बार फिर मैं उन शब्दों को आपके बीच रखना चाहूंगा। चट्टान की रचना, उसके आकार प्रकार के विज्ञान को जियोलॉजी, और उसके
विशेषज्ञ को जियोलॉजिस्ट कहा जाता है। हैंडराइटिंग हस्तलिपि के विज्ञान को ग्राफोलॉजी तथा उसके विशेषज्ञ को ग्राफोलॉजिस्ट कहा जाता है। लैंग्वेजेस भाषा, भाषा विज्ञान को फिलोलॉजी तथा विशेषज्ञ को फिलोलॉजिस्ट कहा जाता है। फ्रूट्स इसके विज्ञान को पोमोलॉजी तथा इसके विशेषज्ञ को पोमोलॉजिस्ट कहते हैं। मैप ड्राइंग के विज्ञान को कार्टोग्राफी तथा इसके विशेषज्ञ को कार्टोग्राफर कहते हैं। और आखिरी में इन्वायरमेंट इसके विशेषज्ञ को इकोलॉजिस्ट और इसके विज्ञान को इकोलॉजी कहा जाता है। तो उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आज की यह कंटेंट आपको समझ में आ गई होगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमें अनुमति दे। नमस्कार।